गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर सब्जेक्ट इज़ मैथ्स एंड दिस इज़ आवर मैथ्स बुक मैथ्स मैजिक स्टैंडर्ड फर्स्ट। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर फर्स्ट चैप्टर शेप्स एंड स्पेस। नाउ सी पेज नंबर 5 एंड टॉपिक इज टॉप बॉटम। टॉप मीन्स अपसाइड एंड बॉटम मीन्स डाउन साइड। सी द बर्ड इज टॉप ऑफ द ट्री एंड द कैट इज bottom of the tree. Here you can see this boy is top of the slide and these boys are bottom side of the slide. So top and bottom, top means upper ki side and bottom means niche ki side. Take right the pot on the top. Here you can see there are 3 pots. 1, 2, 3. Which one is on the top? Yes, this one is on the top. So you have to take here. Okay. Now take right the animal at the bottom of the stair. आपको ये stair दिखाई दे रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, उस animal पे टिक कीजिए जो bottom पे है। अब बताइए bottom means कौन सी side हुई? Yes, down side, यानी नीचे की side। तो कौन है bottom पे? Yes, this cat is on bottom side of the stair. So you have to tick here. Okay. Now page number 6. Near, further. Take the bird near to home. Near means नज़दीक और further means दूर। तो कौन सा bird home यानी घर के नज़दीक है, उसे आपको टिक करना है। Which bird is near from the home? Yes, this one is near from the home. So you have to tick here. Okay. Now tick right the cat further from the tree. Further means क्या? दूर। तो कौन सी cat इस tree से है ना, ये tree दिखाई दे रहा है, झाड़ दिख रहा है आपको, उससे further means बहुत दूर है। कौन सी cat दूर है? तो this one. This cat is further from the tree. So you have to tick here. Now see page number 7 and topic is nearest and furthest. अब देखिए nearest means सबसे ज़्यादा नज़दीक और furthest means सबसे ज़्यादा दूर। furthest from the swing, ये swing दिखाई दे रहा है आपको, झूला, हाँ इससे ये लड़की क्या है? furthest means बहुत दूर है, और nearest to the swing मीन्स ये जो बॉय दिखाई दे रहा है, लड़का दिखाई दे रहा है आपको, ये स्विंग के बहुत ज़्यादा नियरेस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ओके, अब ये भी है लेकिन सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है? ये है, और सबसे ज़्यादा दूर कौन है? ये है, ये मिडल में है। अब देखिए टिक राइट दी पप्पी फर्देस्ट फ्रॉम दी ट्री। उस पप्पी पे टिक करना है आपको जो फर्थेस्ट है फ्रॉम द ट्री, ट्री से बहुत ज़्यादा दूर है। सबसे ज़्यादा दूर कौन सा पप्पी है? तो दिस वन, दिस वन इज़ फर्थेस्ट फ्रॉम द ट्री। देखिए सबसे आखिर में है ना ये, तो इसे आपको टिक करना है। नाउ टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। अब उस ट्री पे आपको टिक करना है जो बर्ड के बहुत ज़्यादा नियरेस्ट मीन सबसे ज़्यादा नज़दीक, नियर मीन नज़दीक, नियरेस्ट मीन सबसे ज़्यादा नज़दीक। तो ये ट्री दिखाई दे रहा है आपको, ये बर्ड के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है, तो यू हैव टू टिक हियर। ओके, नाउ सी पेज नंबर 8 एंड टॉपिक इज ऑन, अंडर, एबो, बिलो। सी एबो द फैन, सॉरी एबो द टेबल। टेबल एबो मीन्स क्या? ऊपर। किसके ऊपर है ये फैन? ये फैन दिखाई दे रहा है आपको, किसके ऊपर है? यस, ये टेबल के ऊपर है। तो क्या कहेंगे हम इसे? द फैन इज एबो द टेबल। बिलो द फैन, अब कौन है बिलो द फैन? द बॉय इज बिलो द
फैन, बॉय कहाँ पर है, फैन के नीचे है। अब देखिए ऑन द टेबल, ऑन द टेबल मीन्स ऊपर, ये द कैट इज ऑन द टेबल, ओके, एंड द रैट इज अंडर द टेबल। ये हुआ ऑन, ऑन मीन्स ऊपर एंड अंडर, अंडर मीन्स के नीचे, तो रैट कहाँ पर है, टेबल के नीचे। नाउ सी पेज नंबर 9, डिस्कस नियर फार टॉप बॉटम, यानी क्या कह रहा है वो, यहाँ पर आपको डिस्कस करना है कि कौन सी चीज़ नियर है यानी नज़दीक है, फार है मीन्स दूर है, टॉप यानी ऊपर है, बॉटम यानी नीचे है। तो बर्ड इज द टॉप ऑफ द ट्री, है ना, बर्ड कहाँ है, हर्ट्स, ये हर्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बहुत दूर है फ्रॉम द वेल, मीन्स ये वेल कुआ दिखाई दे रहा है, इससे हर्ट्स कहाँ है, बहुत दूर है, फार फ्रॉम द वेल। अब देखिए ये पॉट पड़े हुए हैं बॉटम साइड पे पड़े हुए, है ना, ये टू बॉयज़ आर नियर फ्रॉम द वेल, है ना, ये दोनों लड़के कुएँ के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ये औरतें, वुमेन्स, जो वुमेन जो खड़ी है वो वेल के बहुत ज़्यादा नियर है। अब ये देखिए ये टॉप पर, ये ब्लॉक कार्ड के टॉप पर ये लड़का सोया है। इसी तरह से आपको ये डिस्कस करना है कि कौन सा नियर है, फार, फार है, नज़दीक है, दूर है, टॉप पे है और बॉटम पे, ओके।